गाइस वेलकम टू मोटरॉक टेन कैसे आप लोग सब आज आज ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद ला रहे हैं वैगन गाड़ियों का लॉन्ग टर्म रिपोर्ट हाल ही में उन्होंने टाइगून एंड वर्टस लॉन्च की थी ये दोनों इंडिया स्पेसिफिक गाड़ियां हैं हाईली लोकलाइज है तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्टस में क्या स्पेशल है सो so, किस बात के लिए रुके लेट्स गो अब सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं इज ड्राइविंग क्योंकि वीडब्ल्यू हमेशा जानी जाती है अपने ड्राइविंग प्लेजर के लिए और ये गाड़ी कुछ अलग नहीं है और यहाँ पे मैं एक मिथ भी तोड़ना चाहता हूँ आप सबकी हम हम हमेशा आ, बुक को उसके कवर से काफी बार जज करते हैं और इस गाड़ी में भी बहुत लोगों ने किया है वन लीटर है थ्री सिलेंडर है बाकी की सारी गाड़िया तो 1.5 लीटर इंजन आती है तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत स्ट्रेट फॉर्ड जवाब देता हूं

आप इसे बहुत आसानी से चला सकते हो इसका जो पावर है विल बी मोर देन आपको सिटी में चलाना है आपको हाईवे पे स्पीड पे भी जाना है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी तो जो फोक्स वैगन का हमेशा से फन टू ड्राइव एलिमेंट है वो इस गाड़ी में बरकरार है और ये वन लीटर टर्बो पेट्रोल जो मैं चला रहा हूँ ये सिक्स स्पीड मैनुअल के साथ आती है क्लच इसका एकदम लाइट है गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है गाड़ी के एंड टू ड्राइव इट्स अ जॉय ऐसे ही हमने दस हजार किलोमीटर नहीं किए हमने केवल चार महीने के अंदर इस गाड़ी में दस हजार किलोमीटर से ज्यादा चला लिया है वो क्योंकि हमारी टीम हर बार जब भी भी, जी आ, जब भी भी भी, भी जी गाड़ी आती है हमें चलानी है प्रोडक्शन टीम की तो फेवरेट गाड़ी बन गई थी कि हमें हर जगह ले जानी है रेकी पे ले जानी है शूट पे ले जानी है पर क्यों मैं पूछा नहीं बस हमें यह गाड़ी पसंद आई है सो so, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए टू रियलाइज कि यार डोंट जज दिंग की यार वन लीटर है वन लीटर तो छोटी गाड़ियों में आते हैं दैट नॉट अ करेक्ट वे टू जज आप पावर और टॉर्क भी देख लोगे आपको क्लियर आंसर वहीं मिल जाता है जनरली बट वेन यू ड्राइव दिस कार यू विल एब्सोल्यूटली लव इट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कार इज द राइड क्वालिटी राइट right क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है बट हैंडलिंग इज जस्ट फैंटेस्टिक आपको जो स्टेयरिंग है वो बहुत ही लाइट है और साथ ही में आपको अच्छा फीडबैक भी देता है सो यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे चला रहे हो आपके व्हील्स का क्या पोजीशन है जिससे आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल बढ़ जाता है इवन अगर आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करते हो गाड़ी में तो आपको वहां पे भी कोई कंसर्न नहीं आने वाला है अब ये गाड़ी जो है हमने ना केवल सिटी में चलाई है बल्कि हाईवे पे भी चला गए तो हमारी टीम ने इसे राजस्थान लेके गई है कोई महाराष्ट्र में कहीं लेके गए है तो इस गाड़ी की ड्राइविंग जो है हमारी काफी ज्यादा हुई है जिस वजह से जो किलोमीटर है काफी बढ़ गए हैं एंड इवन अगर मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लू ऑन बैड या ब्रोकन रोड्स आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आप मेरे कोई भी वीडियो जाके देख लो मैंने हमेशा कहा है कि वोक्स का ड्राइविंग डायनेमिक्स जो है हैंडलिंग हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो ड्राइव क्वालिटी है गाड़ी की वो काफी जबरदस्त रहती है और ये गाड़ी दूसरी फोक्स से कहीं पे भी अलग नहीं है अब परफॉर्मेंस की बात की है, हैंडलिंग की बात की है, हाई स्पीड की बात की है तो अब यहाँ पे माइलेज तो कम होगा राइट तो वैसी कहानी नहीं है देखिए इस गाड़ी में आपको एक तो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी आता है तो अगर आप सिग्नल पे रुके तो आपकी गाड़ी बंद होने का ऑप्शन भी दिया है कि मान लीजिए आपकी जिस गाड़ी खड़ी आपकी एसी ऑफ है मे भी ठंडी का सीजन है तो आप अगर स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑन रखेंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी अब अगर मैं माइलेज के बारे में बात कर लूँ तो आपका सिटी में लगभग 11-12 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा बिना प्रॉब्लम के मोस्ट केसेस में डिपेंड हाउ यू ड्राइव एंड कैसे कंडीशन और हाईवे पे आपको लगभग से सोलह से अठारह के बीच में वन लीटर में मिल जाता ही है अब देखिए यहाँ पे कहानी ऐसे हो जाती है कि मुझे गाड़ी चलाने ज्यादा मिलता नहीं है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पीछे ही बैठ ये देखो ये भी आ गया मेरे को पीछे ही बैठना पड़ता है इन मोस्ट केसेस तो अब मैं फिर से पीछे जा रहा हूं तो ऐसा होता है हर बार ऐसा ही होता है टीम को गाड़ी चलानी और मैंने यहाँ पे पीछे काफी समय बिताया है एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट एट ऑल ओवरऑल जो गाड़ी की ड्राइव है वो इतनी मज़ेदार है कि कोई भी गाड़ी चलाने के लिए हमारी टीम में ऑलवेज रेडी रहता है इसलिए हमने 10,000 किलोमीटर कर दिया इस कार में कुछ चार महीने हुए होंगे मुश्किल से गाड़ी एंड ड्रिवन ड्रिवन सो ये चीज़ बहुत अच्छी है अब बैक सीट की अगर मैं आपको कहानी बताऊँ यहाँ पर ओवरऑल देखिए जगह अच्छी है स्पेस इज एप्सुल्यूटली नो प्रॉब्लम आपके पास बहुत अच्छी नीरू में हेडरूम की भी गाड़ी में कमी है नहीं बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि सस्पेंशन क्वालिटी कैसे देखिए स्पेस के साथ साथ कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है तो लोगों को मानना है कि यार वोक्स काफी स्टिफ सस्पेंशन देता है स्पोर्टी गाड़ी है तो वैसी कहानी नहीं है देखिए सस्पेंशन जो है इस गाड़ी का फर्म है बट जब आप खराब रोड्स पे जाते हो तब आपको गड्ढे एक्चुअल में महसूस नहीं होते तो आप एकदम कंफर्टेबली इस गाड़ी को चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और पीछे जो लोग बैठे उनके कम्फर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अब यहाँ पे आप एक चीज जानना चाहोगे कि गाड़ी का एनवीएच लेवल कैसा है बिकॉज दैट ऑल्सोज इम्पॉर्टेंट योर इन द कार इंजन नॉइज है रोड नॉइज है आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर आवाज आएगी कैबिन में इट्स ऑलमोस्ट क्वाइट अब देखिए हम खराब रोड पे चल रहे हैं और आपको गड्ढे मैसेज भी नहीं होंगे So, ये एकदम कंफर्टेबली गाड़ी जाती है इवन ऑन ब्रोकन पैचेस ऑफ रोड जिससे आपका कंफर्ट बढ़ जाता है तो अगर आप वर्टेस ऐसे देख रहे हो कि आप पीछे बैठने वाले हो या अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं जाने की देख रहे हो देन इन दैट केस आपके लिए काफी कंफर्टेबल गाड़ी बन जाती है ये तो अगर आप फैमिली की बात करते ही हैं तो वहां पे रोड ट्रिप पे जाते ही हैं हम राइट right? और वहां पे बूट स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब देखिए वर्टस में ना आपको 500 लीटर से ज्यादा बूट स्पेस है तो इस वजह से आपको बूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सामान रखने के लिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो यहाँ पे हमने तीन बैग आराम से बिठाए स्मॉल मीडियम लार्ज और फिर भी काफी और जगह बाकी है आपके लिए सामान डालने के लिए सो so ओवरऑल अगर आप स्पेस की बात करते हो इनसाइड द बूट तो आपके पास वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर मैं स्टोरेज की बात कर लू तीन से चार लोग अगर फैमिली रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनका सामान क्या और एक्स्ट्रा सामान भी आप यहां बिठा के जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपके साथ गाड़ी का कवर करना चाहता हूँ इज सेफ्टी अब ये एक पॉइंट है आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए सेफ्टी जो है आपका प्री पेड इंश्योरेंस है एक बार आपने गाड़ी ले ली ना आप सेफ्टी पे कुछ नहीं बदल सकते हो आप टचस्क्रीन लगा सकते हो बाद में आप रिवर्स कैमरा लगा सकते हो आप वेंटिलेटेड सीट लगा सकते हो आप सीट बदल सकते हो लेकिन सेफ्टी गाड़ी की बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते कभी सुना बाहर आफ्टर मार्केट में मैंने ए लगा दिया या एयरबैग्स लगा दिए ऐसा नहीं होता सो सेफ्टी जो है आपको जिस दिन गाड़ी ले ली उसी दिन आपको उतनी ही सेफ्टी मिलती है और इसी वजह से सेफ्टी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी आप गाड़ी खरीदें हमेशा देखिए कि उसका सेफ्टी कैसा है देखिए वीडब्ल्यू हमेशा से जानी जाती है अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए और अभी भी गाड़ी वैसे ही है अगर आप इसके ग्लोबल इनकेप का स्कोर देखते हैं तो गाड़ी को पूरे फाइव स्टार मिले ना केवल अडल्ट में बल्कि इवन जो चाइल्ड सेफ्टी रहती है उसमें भी इस गाड़ी को पूरे फाइव स्टार मिले तो अगर आप ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट देखते हैं ऑन द वर्टूस इन्होंने तीन चीज़ों की तारीफ़ की है इसमें पहला इसके साइड एयरबैग सेकंड जो चाइल्ड के लिए आइसोफिक्स सीट्स दिए हैं एंड तीसरा ई मोर देन एनीथिंग मैं आपके साथ ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि हम जब भी गाड़ी देखते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एयरबैग आता है सेफ्टी मतलब एयरबैग जो बात कहीं नहीं कंप्लीटली सही नहीं है तो अगर आप यू नो वर्टूस का बेस मॉडल भी देखते हैं यहाँ पे आपके पास इतने सारे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम आ जाता है जो दूसरी गाड़ियाँ अगर आप पूरी कैटेगरी के टॉप मॉडल भी देख लोगे ना आपको नहीं देते हैं इवन आपके पास मल्टी कोलिजन ब्रेक मिल जाता है तो ऐसे काफी यूनिक फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं डिस्क ब्रेक वाइपिंग मिल जाता है तो दूसरी गाड़ियाँ आपको फीचर वो दे ही नहीं रही है इसके बेस मॉडल से आपको मिल रहा है तो यहाँ पे सेफ्टी पे कंप्लीट फोकस किया गया है ऑन वर्टिस तो ये एक बहुत वाइटल पॉइंट हो जाता है आपके लिए जब भी आप गाड़ी लेते हैं सेफ्टी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज आप तो मत कीजिए और जो बाकी के सारे एलिमेंट्स है गाड़ी के जैसे टच एंड फील ऑफ एलिमेंट जैसे आप डोर खोल दीजिए डोर का थर्ड सुनिए आपको वो एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वहीं पे फील होती है इनफैक्ट जब मैं कैबिन के अंदर भी बैठता हूं आप नोटिस करोगे कि गाड़ी एकदम क्वाइट फील होती है और जब भी हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं तो आपको जो टिपिकल वीडब्ल्यू इंटीरियर चाहिए यहाँ पे वो मिल जाता है टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा खासा है आपके जो बटन्स है वो टैक्टाइल है एंड ओवरऑल गाड़ी के जो कैबिन का अर्गोनॉमिक्स है सब आपके रीच में है इट्स वाइट इजी एंड कंफर्टेबल टू बी इन साथ ही में पहली चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है ना वो है इस गाड़ी की सीट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा साइड सपोर्ट मिलता है जिससे जब आप गाड़ी फुश करते हो रियली तो आपको साइड में ज़्यादा यू नो स्विंग नहीं होता है यू वेरी कंफर्टेबल एंड आपका जो साइड सपोर्ट है बोल स्विंग की वजह से वो काफ़ी बढ़िया है अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स भी आ जाते हैं गाड़ी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल वायरलेस चार्जिंग है इस गाड़ी के अंदर एंड वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो जो है मेरे साथ या हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हैंग हुआ बहुत सारी गाड़ियों में वायरलेस जो कारप्ले आता है वो हैंग होता ही होता है बट इस गाड़ी में हमारे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ एंड जो टोटल एट स्पीकर सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इस गाड़ी में अब इस गाड़ी की लिस्ट ऑफ फीचर्स काफी लंबी है सेफ्टी में तो बहुत कुछ आता है बट साथ ही में रेगुलर लिस्ट ऑफ फीचर्स में भी बहुत कुछ आता है दोनों वेंटिलेटेड सीट्स है एयर है एक काम करता हूं मैं आपके लिए जो सारी लिस्ट है न, वो यहीं छोड़ देता हूं जिसे आप इजीली देख सकते हैं बट मेरे लिए दो फीचर्स इस गाड़ी के आज स्टैंड आउट करते सबसे पहला तो ये कि इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है मेजरली यार आजकल यूएस चार्जिंग पोर्ट मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड आगे पीछे दोनों तरफ टाइप सी दे दिया डिजिटल है, है. है तो यहाँ पे मैं चीजें चेंज कर सकता हूँ. जो भी चीजें सेट करनी है ना मैं अपने हिसाब से सेट रख सकता हूँ यहाँ पे. एंड दैट इज वॉट मेक्स माई जॉब वेरी इजी मतलब मेरे को चीजें बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती है विच इज वॉट आई रियली अप्रिशिएट तो गाइज ये था हमारा आज का लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ द दुक्स वागन हमने 11 ऑलमोस्ट साढ़े दस हजार किलोमीटर चला लिए चार महीने के अंदर कुछ और महीने चलाते तो शायद पंद्रह हजार किलोमीटर वहीं के वहीं हो जाते है. हमें एक सर्विस पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी कर पाते सो लेट्स इफ यू कैन डू लॉट मोर कॉन्टेंट ऑन दिस बट यहाँ पे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पता क्या हो जाता है जब भी आप एक वीडब्ल्यू देख रहे हैं आपको सेफ्टी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंड एक चीज हमेशा याद रखिए सेफ्टी फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी दो अलग चीजें हैं तो सिर्फ गाड़ी को सेफ्टी फीचर्स के यू नो बेसिस पे मत जज कीजिए यू शुड जज अ कार ऑन सेफ्टी फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वहां हो जाते हैं ओवरऑल जो वन लीटर का हमारा एक्सपीरियंस रहा हैज़ बीन फैंटेस्टिक मैं अभी भी कह रहा हूं माई टीम इज इन लव विद दिस कार एब्सोल्युटली और ऐसी मुश्किल से कोई गाड़ी आती है जहां पे पूरी टीम को गाड़ी पसंद आती है वन ऐसे रहता है कि कोई कोई लोगों को पसंद आती है कोई कोई को नहीं पसंद आती है ये वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स है जहां पे पूरी टीम को ये गाड़ी पसंद आई है इनफैक्ट मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूं कि देखिए गाड़ी की प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं क्योंकि काफी लोग मुझे प्राइस के लिए पूछते रहते हैं हर बार तो इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग तेरह से इक्कीस लाख रुपए के बीच में कम बैठती है डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हैं मुंबई में थोड़ा हायर है दिल्ली में थोड़ा कम है बैंगलोर में थोड़ा और हायर है है सो इट डिपेंड्स आप कौन सी सिटी में रहते हो अगर आप एक हार्ड कोर एंथुजियास्ट हैं ना मैं आपको क्लियरली रेकमेंड करता हूं कि आप 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ले लीजिए ये आपको 150 फिफ्टी का पावर देता है जिससे आपकी ड्राइव जो है ना इज गोइंग टू बी अमेजिंग और ये डी एस जी गियर बॉक्स के साथ आता है जिसमें आपको शिफ्ट जो है काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और आपको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा अब इसमें आपको जी टी एच लिमिटेड एडिशन वर्जन जो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑफरिंग आपके लिए हो सकता है खास करके अगर आपको चाहिए फंड टू ड्राइव कार एंड अगर आपको एक गाड़ी शॉर्टलिस्ट करनी है अपने लिए इन दिस प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से वर्टिस आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चॉइस हो जाती है ओवरऑल इट्स नॉट जस्ट अ फीचर रिच कार बट जो आपको सारा बैलेंस चाहिए ना परफॉर्मेंस का फीचर्स का टेक्नोलॉजी का स्पेस का कंफर्ट का वो सब कुछ आपको यहां मिल रहा है ऐसा है कि इस गाड़ी में मुझे अब डाउन साइड झूंढने में बहुत दिक्कत हो गई है और इसी वजह से मैं आपके साथ ये पूरा डिटेल यहाँ वीडियो शेयर कर रहा हूं सो ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द दुक्सन अगर आपके पास और डाउट्स है इफ यू कि मैं क्या गाड़ी खरीदू वोट इस कुछ और लू इसमें वन लीटर लियूट फाइव लियू या कुछ और यू नो आई एम वेरी कंफ्यूज सो इन दैट केस आप ना मुझसे या मेरी टीम ऑफ से एक फोन कॉल पे जी हाँ आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो अब आप पूछोगे कैसे होता है आपको सिर्फ जाना है मोटर डॉट कॉम स्लैश कार्स करने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट है ना बहुत ही आसान और उससे आसान पता है क्या है मोटर को सब्सक्राइब करना है एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दिया आप हमारे सारे वीडियो देख लोगे आपको पूरी क्लैरिटी वहीं के वहीं मिल जानी चाहिए सो इट्स एज सिंपल एज दैट तो मिलेंगे कल फिर से विद एन वीडियो टेक केयर सी यू टुमारो लव यू गाइज बाय